नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कोटक 811 का जीरो बैलेंस अकाउंट ऑनलाइन कैसे ओपन करते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र और यहां पर दोस्तों 811 का ऑफिशियल साइट का लिंक हम ओपन कर लेते हैं। दोस्तों लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल के रखा है, आप उस लिंक को ओपन करके अपना जीरो बैलेंस अकाउंट आसानी से ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपको दोस्तों कोई चार्जेस किसी को देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दोस्तों दिए गए लिंक को हम जैसे ही ओपन करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरीके से कोटक 811 का ऑफिशियल साइट ओपन होकर आ जाता है। अभी दोस्तों अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पर हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे दिए गए दोनों चेकबॉक्स पर हम क्लिक कर लेते हैं और फिर ओपन नाउ के बटन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हम ओपन नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो मोबाइल नंबर अभी हमने प्रोवाइड किया उस पर एक ओटीपी भेज दिया जाता है कोटक 811 की तरफ से। वो ओटीपी यहां पर हम दोस्तों फिल कर लेते हैं और फिल करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन ओपन होकर आ जाता है और यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कि क्या आप अकाउंट ओपनिंग के लिए अपना आधार डिटेल्स यूज करना चाहते हो। तो जाहिर सी बात है दोस्तों हम वही यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम दोस्तों यस बटन पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हम यस बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों हमें हमारा पैन नंबर और आधार नंबर मेंशन करना होता है और दोस्तों आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक रहना बहुत ज़रूरी होता है कोटक 811 अकाउंट ओपनिंग करने के लिए। अगर आप दोस्तों कोटक 811 अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं वो भी ऑनलाइन, तो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक रहना मैंडेटरी है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों हमारा आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तो चलते दोस्तों हम यहाँ पर पैन नंबर और आधार नंबर मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, आधार नंबर मेंशन करने के बाद नीचे देखिए फिर से नेक्स्ट बटन शो कर रहा है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए टर्म्स एंड कंडीशन ओपन होकर आ जाता है। चाहे तो आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं जैसे कि हमने रीड कर लिया है पहले भी। तो इसके बाद दोस्तों हम नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो आगे देखिए यहाँ पर हमारे आधार कार्ड से जो लिंक्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी भेज दिया जाता है आधार वेरिफिकेशन के लिए। तो चलते हैं दोस्तों हमारे फ़ोन में चेक कर लेते हैं ओटीपी आ गया कि नहीं। जैसे ही हमारा ओटीपी आ जाता है दोस्तों वो ओटीपी यहां पर हम फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद दोबारा से कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से देखिए हमारा जो आधार कार्ड पर एड्रेस है वो शो कर रहा है और नीचे देखिए लिखा है दोस्तों दिस एड्रेस विल बी यूज्ड एज योर कम्युनिकेशन एड्रेस बाय द बैंक। मतलब कि दोस्तों ये जो एड्रेस आधार कार्ड पर जो आपका यहाँ पर दिख रहा है यही एड्रेस दोस्तों आपका कम्युनिकेशन एड्रेस होगा, जहाँ पर आपका डेबिट कार्ड, चेकबुक वगैरह जो भी आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर ही आपका वो सब चीज़ें डिलीवर्ड होंगी। ठीक है, उसके बाद आगे देखें कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड फिल कर दे रहे हैं, फादर नेम पर अपना फादर नेम भी यहाँ पर फिल कर ले रहे हैं। ठीक है, आगे तो जेंडर ऑटोमेटिक है, जो भी चीज़ें दोस्तों आपको फिल करना है आप यहां पर फिल कर सकते हैं। यहां पर तो कोई स्टार में नहीं दिख रहा है कि मैंडेटरी है तो भी हम यहां पर फिल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर सेल्फ एम्प्लॉयड पिताजी का नाम यहां पर फिल कर लिए, फिर यहां पर देखिए माताजी का नाम भी यहां पर फिल कर लेते हैं। आगे डेट ऑफ बर्थ तो ऑटोमेटिक है और मैरिटल स्टेटस भी यहां पर सेलेक्ट कर लेते हैं, मैरिड हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद आगे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं आगे देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप नॉमिनी अभी ऐड करना चाहते हैं या बाद में करेंगे। तो जैसा कि हमें अभी करना है तो हम यहाँ पर यस पर क्लिक करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके आगे अपना नॉमिनी डिटेल फिल कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों हम यहाँ पर अपना नॉमिनी डिटेल भी अभी फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर नॉमिनी डिटेल में नॉमिनी का जो नाम है वो फिल कर लेते हैं और रिलेशन क्या है जैसा वहाँ पर रिलेशन भी फिल कर लेते हैं और डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर प्रॉपरली जो भी डॉक्यूमेंट में है वो यहाँ पर हम डाल देते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें फिल करने के बाद दोस्तों नीचे देखिए फिर कंटिन्यू बटन का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर हम क्लिक करके आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमसे हमारा नॉमिनी का एड्रेस पूछा जा रहा है,
अगर नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो यहाँ पर सेम एज माय कम्युनिकेशन एड्रेस पे क्लिक कर देना है, अदरवाइज अगर अलग एड्रेस है तो आपको वहाँ पर एड्रेस फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करते हैं, आगे देखिए टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेते हैं। अभी देखिए दोस्तों हमारा जो एड्रेस और नॉमिनी डिटेल है वो प्रॉपर अपडेट हो चुका है, तो ये सब चीज़ें अच्छे से हम देख लेते हैं सब बराबर है, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से डिक्लेरेशन पेज आ जाता है, इन सब पे हम राइट क्लिक कर लेते हैं यानी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेते हैं और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर KYC के लिए पूछा जाता है वेयर कैन वी मीट यू, मतलब दोस्तों KYC के लिए हम आपसे कहाँ पर मिल सकते हैं, तो इसमें आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं एनी कोटक महिंद्रा ब्रांच, मतलब कि दोस्तों कोई भी कोटक महिंद्रा का ब्रांच हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम किसी भी कोटक महिंद्रा ब्रांच में जाकर अपना KYC करा सकते हैं। माई आधार एड्रेस, दूसरा माई आधार एड्रेस है दोस्तों, तो उस पर हम सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारे आधार कार्ड के एड्रेस पे जो एम्प्लॉई होगा बैंक का वो आके KYC करके जाएगा, वो सब जो भी हमें चाहिए वो सेलेक्ट करके आगे कंटिन्यू कर लेंगे। दोस्तों कंटिन्यू करने के बाद देखिए हमसे हमारा नेट बैंकिंग का पासवर्ड पूछा जा रहा है कि हमारा नेट बैंकिंग का पासवर्ड क्या रखना है, वो हम यहाँ पर नेट बैंकिंग पासवर्ड हमारा सेलेक्ट कर लेते हैं और हमें नेट बैंकिंग का पासवर्ड किस तरीके से रखना है वो सब यहाँ पर ऑप्शन रखे गए हैं, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों KYC के लिए जो बात है दोस्तों, आप यहां पर वीडियो KYC का भी ऑप्शन आता है लास्ट में, आप चाहे तो आप अपना वीडियो KYC के थ्रू भी आप अपना KYC कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने वीडियो KYC नहीं किया, हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं तो हम ब्रांच में ही जाकर अपना KYC कंप्लीट करेंगे। तो जैसे हम अपना नेट बैंकिंग पासवर्ड सेलेक्ट करते हैं उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो हमसे हमारा मोबाइल बैंकिंग पिन पूछा जाता है, तो पिन यहाँ पर दोस्तों 6 डिजिट का होता है, तो हम यहाँ पर कोई 6 नंबर का अपना पिन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। उसका भी देखिए यहाँ पर हमें जो नंबर लाइक यानी 111 ऐसा नहीं रहना चाहिए, कुछ थोड़ा डिफरेंट रहना चाहिए, वैसा हम सेलेक्ट करके आगे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम पिन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिल करने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो आगे देखिए वुड यू लाइक टू यूज़ द सेम पिन फॉर योर वर्चुअल डेबिट कार्ड, वर्चुअल डेबिट कार्ड के लिए भी आप सेम पिन यूज़ करना चाहते हो तो यस कीजिए, अदरवाइज नो करके नया पिन जनरेट कीजिए, तो हम वही सेम यूज़ करना चाहते हो तो यस कर लेते हैं दोस्तों। यस जैसे ही करेंगे दोस्तों आगे देखिए अगर हमें फिजिकल डेबिट कार्ड अप्लाई करना है तो यहाँ पर देखिए नीचे फिजिकल डेबिट कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे अकाउंट से 235 रुपीज़ कट होता है और 15 डेज़ के अंदर में हमारा जो डेबिट कार्ड है वो कम्युनिकेशन एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाता है, तो हम उसे भी सेलेक्ट कर लेते हैं और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेते हैं। आप अगर नहीं चाहिए फिजिकल डेबिट कार्ड तो आप उसे नहीं सेलेक्ट करें, आप आगे वैसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों जैसे हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से हमारा अकाउंट नंबर ओपन होकर आ जाता है, तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो अकाउंट है सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए हमारा अकाउंट नंबर और वर्चुअल डेबिट कार्ड का फोटो ये सब देखिए दोस्तों सब शो कर रहा है, ठीक है। तो चलते दोस्तों इसका हम प्रिंट ले लेते हैं और यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा जो UPI ID भी है वो भी दिख रहा है, तो मतलब कि दोस्तों हमारा कम्प्लीटली जो जीरो बैलेंस का अकाउंट है ओपन हो चुका है। अभी दोस्तों बाकी हमारा KYC, तो आप चाहिए तो दोस्तों लिंक के थ्रू जब ओपन करेंगे तो आगे की तरफ जो है वीडियो KYC का भी ऑप्शन आएगा, आप वीडियो KYC के थ्रू भी आप KYC कंप्लीट कर सकते हैं, आपको ब्रांच में या किसी एजेंट को अपने घर पे बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अभी दोस्तों आपका अकाउंट तो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है और बाकी KYC आप ब्रांच में जाकर कर सकते हैं या वीडियो KYC का ऑप्शन है, आप उस तरीके से अपना KYC कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी यूज़ कैसे करना है अकाउंट को, उसके लिए दोस्तों कोटक नेट बैंकिंग का एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कीजिए, उसके बाद आपको CRN नंबर और नेट बैंकिंग का जो आपने पासवर्ड सेट किया उसके थ्रू आप अपना नेट बैंकिंग लॉगिन करके आप अपना अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के बाद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि वीडियो KYC अगर करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए दोस्तों हमें पहले ही ऑप्शन में वीडियो KYC का ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, जहाँ पर हमने दोस्तों ऑप्शन में सेलेक्ट किया कि हमें एनी ब्रांच सेलेक्ट किया हमने कि हम किसी भी ब्रांच में जाकर अपना KYC कर सकते हैं, वहीं पर दोस्तों आपको वीडियो KYC का ऑप्शन दिखता है, तो वहां पर आपको अगर वीडियो KYC के थ्रू जाना है तो आप वहां पर वीडियो KYC सेलेक्ट कर सकते हैं और आगे की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे तो आपको लास्ट में वीडियो KYC कंप्लीट करने के लिए बोला जाता है, जिसके लिए आपके पास एक ID कार्ड होना ज़रूरी होता है, वो ID कार्ड आप दिखाकर अपना वीडियो KYC कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है।
दोस्तों इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं ऐसे ही किसी और जानकारी भरी वीडियो के साथ।